बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। भैया आज हम लोग चिप्स बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना भैया आपके साथ आज ये फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर की जाए। देख सकते हैं आप, हम आलू काट रहे हैं और इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके काटे के ताकि इनको हम अच्छी तरह से फ्रेंच फ्राइज के साइज़ की तरह फिर काट सकें। अब तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आलू है और 7 आलू हम काटेंगे। आज फ्रेंच फ्राइज खाने को दिल कर रहा था तो हमने बोला क्यों ना भाई आज फ्रेंच फ्राइज बनाए जाए। अभी इन आलूओं का छिलका ऊपर से उतारा है और इनको काटने के बाद जितनी भी आगे की एक्टिविटी होगी आपको भी हम दिखाते हैं। आलू आप देख सकते हैं भाई, पटेटोस कितने फ्रेश फ्रेश हैं और अभी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने आम पड़ा हुआ है, लेकिन दरअसल हकीकत में ये आम नहीं बल्कि आलू है। वैसे आलू के भी शुरू में स्टार्टिंग में अलमदा आता है और आलू के भी यही वर्ड आता है, आलू और आम। अब देखिए हमने सब ये काट दिए है, इसके बाद की एक्टिविटी अब क्या होगी मुझे भी नहीं पता, देखते क्या होता है। तो भाई अब आलूओं को काटा जा रहा है बारीक बारीक करके साइज के हिसाब से, इनको जैसे फ्रेंच फ्राइज बनते हैं लंबे लंबे बिल्कुल इक्वली सीधे सीधे इनको काट रहे हैं। ये अब देख सकते जितने भी पड़े हुए अब इन सबको इस तरह बनाया जाएगा। आलू खाए और सेहत बनाए। अभी तक भाई बहुत सारे आलू पड़े हुए हैं तो देखें जब ये कट जाते हैं तो फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स देख सकते हैं जैसा कि हमने अपने पटाटेस को बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइची बनाने के लिए रेडी कर लिया है और इनको अब अभी हम धोते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैदा लगाएंगे, नमक भी लगाया जाएगा और चले अब इनको धोते हैं। तो भाई देख सकते हैं धोने के बाद इनके अंदर और भी ज़्यादा निखार आ चुका है, कितने ज़बरदस्त इम्प्रेशन दे रहे हो भाई, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है इनको बग़ैर पकाए इंसान खा ले अभी से। देख सकते हैं इनके ऊपर डिज़ाइन भी बना हुआ है, इनको हमने कटर से काटा था अभी तो डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके ऊपर हम नमक लगाने लगे ताकि थोड़ा सा नमकीन नमकीन जायका आए। उसके बाद फिर हम कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और ऑयल वगैरह डालकर फिर उसके बाद इनको तलने के लिए जो है कढ़ाई में पेश करेंगे। तो भाई अब हम लोगों ने चूल्हा नीचे कढ़ाई के नीचे जला लिए हैं और जो है ये ऑयल ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद हम इन फ्रेंच फ्राइज को इसके अंदर डालेंगे।
अब हम इसके अंदर जो है नमक डालने लगे हैं। एक चम्मच हमने नमक जो है लिया है, एक खाने का चम्मच नमक इसके अंदर शामिल किया है और इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच इसके अंदर खाने का चमचा नमक मिलाया है और अच्छी तरह से मिक्स कर रहे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। और ज़्यादा नमक नहीं डालना आपने, क्योंकि जो है ना ज़्यादा ये नमक आ जाए सालन के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर भी तो आप वैसे ही नहीं खा सकते। फिर मैदा दे। अब हमने ये मैदा भी ले लिया है और इसको अच्छी तरह से छान कर फिर इसके अंदर अब हम शामिल करने लगे हैं। तो चले अब इस मैदे को शामिल करते हैं इसके अंदर। अब भाई इसके अंदर मैदा शामिल हो गया। मैदे का ये फ़ायदा है, ये कमाल है कि आपके चिप्स फ्रेंच फ्राइज बहुत ही अच्छे और कड़क बनते हैं और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट ये पैदा कर देता है मैदा। जब आप इनको खाएंगे कड़क कड़क चिप्स तो तब आपको पता चलेगा कि भाई मैदे का क्या कमाल और क्या फ़ायदा है। अब हम इनको 2 मिनट तक छोड़ेंगे और उसके बाद इसको कढ़ाई में डाल देंगे ताकि ये पकने के लिए तैयार हो सके। अब भाई मैंने चूल्हा आस्ते किया हुआ क्योंकि ऑयल ऊपर ना आए और गर्मा गर्म ऑयल है ताकि हाथ ना जले मेरा। और चूल्हे को हल्की आंच पे रखा हुआ हमने, थोड़ी देर के बाद इसको हल्का सा तेज़ भी करेंगे। तो थोड़े से चिप्स हमने अभी डाले हैं। अब हम इनको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और उसके बाद इनके ऊपर बिल्कुल लाल सुर्ख कलर आ जाएगा और ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाएगी। इसको अब हल्की आंच पर हम इसलिए पकाते हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। और ज़्यादातर लोग तेज़ आंच पे पकाने के शौकीन होते हैं, वो उनको जलती का शौक़ होता है, हालांकि जलती करना ये शैतान का काम है। तो हल्की आंच पे इसलिए पकाते हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक सके और बाहर से भी। जब आप तेज़ आंच पे पकाते हैं तो बाहर से तो वो लाल सुर्ख हो जाते हैं, आपको लगता है कि भाई ये पक चुके हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल जो है कच्चे होते हैं और वो टेस्ट वो जायका नहीं आता जो कि एक अंदर से पकी हुई चीज़ के अंदर आना चाहिए। भाई देख सकते हैं आप सुर्ख सुर्ख हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट हमने इनको रखा है और अब ये रेडी हो चुके हैं चिप्स। इसके बाद कड़क देख सकते हैं आप कड़क कैसे है, बिल्कुल अच्छी आवाज़ आपको आ रही होगी और आवाज़ ही ऐसी है तो जायका इनका कैसा होगा। इसीलिए इनमें मैदा डाला जाता है कि ये अच्छी तरह से कड़क हो जाए। Now chips French fries is ready. थोड़े से जल भी गया है भाई ऊपर से। खैर डाल दे। ये देखिए आप लाल लाल French fries. Thank you.